फिलहाल सारंगपुर से तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां से शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को जो है जिनका जो है दो दिन पहले कत्ल कर दिया गया, लगातार दो दिन से उनके अंतिम संस्कार की का इंतजार किया जा रहा था। उनके परिवार के कुछ सदस्य जो है यहां पर मौजूद नहीं थे और उनके परिवार के सदस्यों के आने के बाद आज फाइनली जो है उन्हें पंचतत्व में विलीन करवा दिया जाएगा। बड़ी दुख की घटना नहीं हो सकती और शहीद सुरेंद्र बिश्नोई जी से हमारा तो चार पीढ़ियों का रहता है और मैं इसको अपनी व्यक्तिगत क्षति भी मानता हूं और लेकिन साथ में बधाई मैं सरकार को दूंगा कि इन्होंने किस प्रकार तुरंत कार्रवाई की और दोनों को पकड़ा भी और इनको सम्मान भी दिया और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में। लेकिन सर सिर्फ ड्राइवर और क्लीनर की गिरफ्तारी से लोग संतुष्ट नहीं है, जो खनन माफिया है जिसमें चाहे रसूखदार हों चाहे पॉलिटिकल लोग हों उनकी भी गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। भी मैं जो जुडिशियल इंक्वायरी सरकार ने मांग की मैंने पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि सरकार तुरंत इसकी गहराई तक जाके और जो ये भू माफिया है या खनन माफिया है इन लोगों को सर परिवार के लोगों ने शंका भी जाहिर की है कि कोई साजिश हो सकती है, कोई ट्रैप हो सकता है कि डीएसपी को अकेले वहां पर बुलाया गया और जो दूसरे कर्मचारी थे किसी की तरफ से गोली तक नहीं चलाई गई, क्या लगता है इसमें कि इस पे कुछ भी कह पाना बहुत जल्दी होगा, मैं थोड़ा इसकी तह तक और जाके उसके बाद ही कोई भी विचार कर पाऊंगा। तो उनके बेटे ने कहा है कि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहेंगे अगर उनको नौकरी का पद दिया जाता है, सरकार ने हालांकि घोषणा की है लेकिन वो कनाडा में सेटल है लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि वो उसको सम्मान से लेंगे। बिल्कुल सरकार को जो बेटा चाहता है सरकार को देना चाहिए क्योंकि शहीद सुरेंद्र सिंह ने बहुत मेहनत से बहुत ईमानदारी से मिसाल वो रहे अपनी जितना लंबा समय उनका सरकारी नौकरी में रहा एक मिसाल थे ईमानदारी की, तो मैं समझता हूँ बेटे के इतनी बड़ी बात कही है तो निसंदेह अपने पिता का खून उसके अंदर। तो जिस स्कूल में हम पहुंचे हैं आप कोशिश करेंगे सरकार से कि स्कूल का नाम या किसी चीज़ का नाम उनके नाम से रखा जाए? हाँ प्रयास करूंगा हर तरीके से कि जो शहीद को सम्मान दिया जाता है उससे ज्यादा सम्मान इनको दिया जाए। तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं शुरुआत से लेकर के अंत तक जो है आज मैं इस पूरी शव यात्रा में आपके साथ जुड़ी रही हूं, इस अंतिम यात्रा में आप लोगों के साथ जुड़ी रही हूं, जहां हिसार से लेकर के उनके शव को लेकर के यहां आया गया, रास्ते में अनेकों स्कूल के बच्चों ने बड़ों ने सभी ने जो है फूल बरसा करके उनको मान सम्मान किया, उनको मान सम्मानित किया जिस तरीके से उन्होंने अपना फर्ज निभाया। उसके बाद उनके गाँव में जब पहुँचे तो उनके सरकारी स्कूल में भीड़ जो है कहीं ना कहीं काबू नहीं आ रही थी, इतने लोग वहां पर पहुंचे और उसके बाद जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके घर की, जहां पर उनके घर पर जो है उनका पार्थिव शरीर आखिरी बार के लिए लाया गया, जिस तरीके से बिश्नोई धर्म के अनुसार व्यक्ति को उसके ही हिस्से की ज़मीन में मिट्टी दी जाती है, तो आखिर में उनको उन्हीं के हिस्से की ज़मीन के अंदर जो है उनके घर के नज़दीक ही मिट्टी दे दी गई और अंतिम तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अलविदा कह दिया गया। तो ये पूरी वीडियो जो है आज की एक वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर के आई हूँ ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें आप और पता चले कि भाई हमारे देश के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर अभी भी अपने फ़र्ज पर अपनी जान लुटाने वाले ऑफिसर्स अभी भी ज़िंदा हैं या अभी भी हमारे बीच में हैं, लेकिन उनमें से एक ऑफिसर को जो है आज हमने खो दिया है। और खैर अब उम्मीद है सरकार की तरफ से कि सरकार जो है इस मामले में लगा जल्द से जल्द इंसाफ करे या जो है जल्द ही जो है आरोपियों को जो सरगना है इस पूरे कांड के उनको जो है जल्द ही सामने ला करके रखें। ये वीडियो यहीं तक, इसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए का और हाँ शहीद डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई को सत सत नमन कहना मत भूलिएगा। नमस्कार। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आ गया है श्याम जी का नया अवतार, श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ, बस खाते जाओ और खाते ही जाओ श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान एमआरपी पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो saletrending.com पर। विजिट saletrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।